नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, हमारे इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। भाई सुबह के निकले हुए, भाई बजने जा रहे हैं जो है 11:40, ये देख सकते हो भाई, ठीक है। और रीडिंग भी हम जीरो किए दे रहे हैं, ये देखो भाई, CNG आधी है, पेट्रोल भी आधे से कम है और CNG भी आधे से कम है भाई। ये खड़ी विवेक की गाड़ी, विवेक भाई ये बैठा हुआ, इसको हम बुलाए हुए हैं। बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या, ये बताओ। आईडी बंद कर दी भाई एक घंटे के लिए। दिखा रहा ओला की, दिखाओ। दो राइड हुई है अभी खाली बस। ये देखो भाई, दो राइड इसने की है और बंद क्यों की ये बता देना। ज्यादा मतलब एक्सेप्ट नहीं किया ना मैंने, ज्यादा राइड है इस वजह से बंद। भाई बुकिंग आ रही थी लेकिन पिकअप लोकेशन बहुत दूर दूर से था, इस वजह से इसने कुछ बुकिंग पास कर दी और कुछ एक्सेप्ट की तो कस्टमर ने कैंसिल कर दी, क्योंकि उसको इसको वहां तक पहुंचने में कस्टमर तक शायद थोड़ा ज़्यादा समय लगता, तो कस्टमर ने ही कैंसिल कर दिए। तो ये कंपनी बाग या इधर कहीं खड़ा था तो इसको लोकेशन भेज के हमने यहाँ बुला लिया। हमने कहा दोनों भाई यहीं बैठेंगे, हमारी भी अभी आई नहीं है तो हमारी आएगी तब भी निकलेंगे और इसकी आएगी तो अपना ये निकल जाएगा। तो भाई अभी बैठे हुए हैं, भाई की गाड़ी है वैगन आर, ये देखो हमारे ब्लॉग में कई बार आ चुकी है, सामने खड़ी है UP78JN 2653 ये गाड़ी है। और कल तो भाई तुमने चलाई नहीं थी। चलाई थी हमने, कल चलाए थे। कितने काम कल किए थे? कल 900 रुपए काम हुआ था, कल बढ़िया हो गया था। 3 बजे आ गए थे वापस भाई, 3 बजे आके रात कितने बजे तक? 7 बजे तक। 7 मतलब 5 घंटे, 4 घंटे, 4-3-7 4 घंटे। हाँ 4 घंटे, 4 घंटे काम में कितने? 900 रुपए काम किया। CNG 300 रुपए लगी होगी बहुत ज्यादा, तो 500-600 बचा के ले गए। तो कुल मिला के सही है। अब लोकल में तो भाई इसको चलाना मजबूरी है क्योंकि इसकी ऑप्शन अभी दे नहीं रहा, ऊबर भी नहीं दे रहा है, ओला में अभी खुली ही नहीं है, जबकि गाड़ी लगे 1 महीने हो गए होंगे ना। अभी नहीं हुआ, 1 महीना होने वाला है। अच्छा 1 महीने अभी होने वाले भी हुए नहीं है, लेकिन इससे जब पुराने 3-3, 4-4 महीने उनके भी ऑप्शन अभी नहीं खुली हुई। राइड हो गए लेकिन ओला पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है यार कि आउट स्टेशन 100 राइड हो चुकी है ना, 160 हो गई है, 160 राइड हो चुकी है, और जबकि ओला कहता है भाई 100 राइड आप पूरी करो उसके बाद ऑप्शन आपकी खोल दी जाएगी। तो ये भाई हम लोगों का जो है बहुत, ये लोग अत्याचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं कुल मिला के समझ सकते हो। तो पहले तो ऐसा नहीं था यार, हम लोग गाड़ी लगाते तुरंत सेम डे बुकिंग आने लगती थी, ऑप्शन की कैटेगरी खुली हुई मिलती थी। अभी तो इनकी कैटेगरी बंद है और कब खोलेगा, कब आनी शुरू होगी। तो गाड़ी की MI वगैरह निकालना है, हालांकि ये बहुत मेहनती आदमी है, ये तो खैर MI निकाल लेगा किसी तरह, लेकिन हर आदमी नहीं निकाल पाएगा। तो समझ सकते हो कुछ अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी, इस समय इसका समझ लो बुरा दिन चल रहा है। ऊबर में अभी कहीं बाहर तो गए नहीं हूँ? नहीं कहीं नहीं भाई। इंतफाक से ऊबर की खुली हुई है इंटरसिटी लेकिन आती नहीं है ना, तो ये है भाई, लोकल में भी ऊबर के पास काम है नहीं। तो अब भाई से करेंगे बात और जहाँ की भी राइड आएगी तुरंत आप लोगों को अपडेट भाई बताया जाएगा। हाँ तो भाइयों हम आ चुके हैं लखनऊ और 1281 रुपए ऊबर ने हमको दिए, ऊबर की राइड लेके आए हुए थे। इससे पहले भी ऊबर की हमको दी थी लेकिन ऊबर की तुरंत वो राइड कैंसिल हो चुकी थी। अब इस समय है आसियाना में भाई, लखनऊ के आसियाना में, ये रहा कॉलोनी जहाँ पे हम अंदर छोड़ने गए थे। अब यहाँ से क्या है ना कि सीधा हम वापस की तरफ लौट रहे हैं, एयरपोर्ट की तरफ। अब वहीं पे जाके जो है गाड़ी लगाएंगे, देखते हैं कि ऊबर हमें कितनी देर बाद जो है वापस की देती है या ओला हमें देती है, क्योंकि नंबर हमारा लगा हुआ है। तो ओला या ऊबर दो भी दोनों पहले देंगे वो हम राइड लेके जो है यहाँ से फटाक से निकल लेंगे कानपुर के लिए। भाई गाड़ी आपको दिखाते हैं कितना चली है, देख लो भाई गाड़ी चली है 86 किलोमीटर और समय हुआ है 4:30 मतलब 4:43। तो यहाँ रुकने का कोई मामला है नहीं भाई, जितनी जल्दी वापस पहुंचेंगे घर उतना ही ज्यादा सही है, यहाँ रुकने से कोई फायदा है नहीं। तो अब करते हैं चल के वेट, कहीं सही जगह खड़े होके और फिर कोई बुकिंग आएगी तो यहाँ से निकल लेंगे भाई। तो CNG अभी आते हुए भाई उन्नाव में भराई थी, उन्नाव में इसलिए भराते हैं भाई कि उन्नाव में जो है लगभग जो है हमको 4-4.5 रुपए सस्ती पड़ती है, 4.05 रुपए। तो भाई जहां सस्ती पड़ेगी वहीं से ही भराएंगे भाई, कुछ ये जो है सिस्टम है अपना। तो अभी यहीं पे खड़े हो जाते हैं, यहीं पे है सही जगह भाई, क्योंकि आगे का पता नहीं कहीं सही जगह मिले ना मिले, और सही जगह मिलना भी बहुत मुश्किल है भाई, सही लोकेशन। अब आसियाना में ही छोड़ा है, यहीं पे आके हम खड़े हो गए। देखो भाई एक सेब वाला सेब बेच रहा है, वो देखो ठेलिया पे
बगल में है रोड और हम खड़े हुए आराम से। तो भाई यहाँ से हमें मिल चुके है राइड ओला की, एक बजी थी फर्जी भाई 16 किलोमीटर दूर से, वो कैंसिल हो गई। दोबारा फिर बजी यहीं से पास से ही, आसियाना के पास से ही 3 किलोमीटर, तो उनको पिकअप करने के लिए आ चुके हैं, निकलते हैं यहाँ से। हाँ तो भैया वापस आ गए कानपुर। कानपुर में है राम गोपाल चौराहा जो कि बर्रा की तरफ पड़ता है, यहीं पे लाके पीछे ड्रॉप किए हैं भाई, और ड्रॉप करने के बाद पेमेंट वगैरह ले लिया है, QR कोड से उन्होंने किया है। ओला का ज्यादा अच्छा फेयर आया है। हाँ ओला की गाड़ी भी थोड़ा ज्यादा चली थी, तो कुछ इस तरह का हिसाब किताब है। अब भाई कहीं सही जगह रोक के गाड़ी साइड में, उसके बाद 10-15 मिनट वेट करेंगे, अगर घर की कोई राइड मिल जाती है तो भाई टू गुड है, नहीं तो खाली जाना पड़ेगा। अब जो भी है जैसा भी है भाई, सारा किस्मत का खेल है। वैसे दिन तो हमारा अच्छा रहा, अभी अर्निंग भी आप लोगों को बताएंगे। तो अभी यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकल लें, बाहर कहीं सही जगह गाड़ी लगा के फिर करते हैं आप लोगों से बातें भाई, पूरी ब्लॉग बनाएंगे, पूरा रिकॉर्डिंग करेंगे। तो शायद ये पार्क देखो, लोग रात में जो है खेल रहे हैं वॉलीबॉल, अच्छा है फिटनेस के लिए, शरीर फिट रखने के लिए। तो भाई अभी चलते हैं, राम गोपाल चौराहा सामने है, इसी को बोलते हैं भाई राम गोपाल चौराहा, यहीं पे खड़े होते हैं। इससे पहले भाई जो राइड लेके आए, इससे पहले एक राइड आई थी जो कि कैंसिल हो गई थी, और फिर ये राइड आई, हालांकि वो दूर भी आया थी 16 किलोमीटर, ये तो है 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर की थी। तो हमने कहा चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, उससे अच्छी बुकिंग हमें मिल गई, नहीं तो इतनी दूर पिकअप के लिए जाना पड़ता। तो भाई ये देखो स्टैचू भी राम गोपाल का लगा रखा है, पता नहीं भाई ये क्रांतिकारी थे या फिर जो है अपना नेता उता टाइप के थे, क्या है क्या नहीं है। रहने वाले कानपुर के ही हैं, लेकिन इनके बारे में, इतिहास के बारे में कुछ हमें जानकारी कुछ है नहीं। तो भाई गाड़ी यहीं पे खड़ी करते हैं और उसके बाद गोटू लगा लेते हैं और फिर अर्निंग के बारे में बताते हैं आपको, ठीक है भाई। अर्निंग, हाँ अर्निंग बताएंगे लास्ट में यार, हो सकता है यहाँ से कोई राइड मिल जाए घर के तो वो पैसे फिर छूट जाएंगे, तो सारी अर्निंग एक साथ बताएंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। तो भाई इस समय काम बहुत डाउन है, बहुत धीमा चल रहा है, और जिसकी आउट स्टेशन आ रही है बाहर की उसका तो टू गुड है, जैसे कि हमारा है और भी बहुत सारे हमारे साथी लोगों का है, और बहुत सारे ऐसे साथी लोग हैं जो लोकल में चला रहे हैं, 1500, 1600, 1800, 2000 काम करके ले जा रहे हैं, 1000 रुपये बचाना मुश्किल है लोकल में। तो चलिए वो तो अपनी अपनी किस्मत है, मेहनत तो हर आदमी करता है, लेकिन क्या है कि किसी को कम मेहनत में ज़्यादा फल मिल जाता है और किसी को ज़्यादा मेहनत में बहुत कम फल, तो किस्मत की बात है। और भाई एक्सपीरियंस भी कोई चीज़ होती है, तो अभी जो नए लोग हैं उनके तो आउटसन की कैटेगरी ही नहीं चालू हुई है, तो बेचारे उसमें वो क्या कर सकते हैं, मेहनत तो करना चाहते हैं लेकिन जब काम ही नहीं आ रहा तो क्या करें। और सबसे बड़ी बात ये है कि कड़ुआ कड़े हैं नीम पे चढ़ा, कहावत है ना कड़ुआ करेला नीम पर चढ़ा, ठीक है। एक तो आउटसन की कैटेगरी नहीं खुली है, और दूसरा भाई 3-4 बुकिंग पास की लगातार, तो 1 घंटे के लिए ड्यूटी ऑफ, कुछ इस तरह का है हिसाब किताब। तो जो भी है कंपनी का हम लोगों को काट के रखा है भाई बहुत बुरी तरह से, हालांकि हमारा तो नहीं लेकिन जो नए साथी हैं हमारे ओला उबर पार्टनर भाई, तो उनके साथ ये लोग ऐसा कर रहे हैं, पिकअप भी 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर का दे रहे हैं, आधी से ज़्यादा बुकिंग तो कस्टमर खुद कैंसिल कर देता है, उसको जल्दी होती है 15-20 मिनट कौन वेट करेगा, इससे तो अच्छा टेम्पो से नहीं निकल जाएगा, ऑटो से नहीं निकल जाएगा, तो कुछ ऐसा है। हाय भाई यार, ठीक है। हाँ तो भैया आज का काम हो गया पूरा, और रात के बज रहे हैं भाई 9, अभी ओला में जो काम हुआ है वो 1600 रुपये हुआ है, उबर में जो काम हुआ है वो हुआ है 1300 रुपए का, टोटल जो है 2900 रुपए का ऑपरेटर हमारा बना दोनों कंपनियों में मिला के। ओला में 2 राइड किए और उबर में किए भाई 1 राइड, तो टोटल 2900 रुपए में 900 रुपए खर्चा निकाल दीजिए और 2000 की आज की हो गई हमारी बचत, और गाड़ी भी कोई ज्यादा नहीं चली है, CNG भी अभी हमारी मेन में ही है, देख सकते हो ये है CNG भाई जो कि उन्नाव में भराई थी, और गाड़ी चली है 196, मतलब घर तक जाएंगे तो 100 किलोमीटर चल जाएगी। है अपना मैनावती मार्ग पे है अभी, तो कुछ इस तरह का है भाई सिस्टम अपना जो है। तो अभी क्या है, मैनावती से सीधा निकल चले घर की तरफ,
हमने जो ड्रॉप किया था वो बर्रा में जो है वो गोपाल चौराहे पे ड्रॉप किया था, और वहीं से बाईपास पे आ गए थे, फिर पिकअप आया, गोटू लगा लिए थे, तो पिकअप करके सीधा अपने यहाँ मकड़ी खेड़ा में लाके ड्रॉप किया, घर के पास में ही समझ लो 4 किलोमीटर की दूरी पे। तो भाई 2 हो गई ओला में, 1 हुई उबर में, टोटल हमारे जो है 3 बुकिंग हुई है। तो कुल मिला के सही है, जो हमारा टारगेट है 2000 का लेके चले थे, प्लस हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उससे कम ना हो भाई, इसलिए ठीक है 900 रुपये खर्चा निकाल दिया। तो भाई देखा होगा आज आप लोगों को सिर्फ 2-3 काम हुए हमारे, अच्छा हुआ जो बाहर काम आ गया, अगर लोकल में चलाता भाई तो इतने भी ना हो पाते, ज्यादा से ज्यादा मैं घसीट पाता 1500 रुपये, क्योंकि जो बहुत जुझारू प्रत्याशी हैं, जो बहुत काम करने वाले हैं, वो खींच तान के जो है 3000 रुपये तक 2000 रुपये तक का काम कर पाते हैं, और लोकल में CNG भी ज्यादा लग जाती है। तो अगर जो हम लोकल 2000 की अर्निंग करते हैं, तो भाई जो CNG हमारी लगेगी ना, वो लगभग एक टैंक खा जाएगी पूरी, जो कि 600-700 रुपये में फुल होती है, 700 रुपये में प्रेशर के हिसाब से, और रेट तो हमारे यहाँ मालूम है 94 रुपये प्रति किलो है। तो अगर जो 8 किलो भी आएगी ना, 8 किलो तो खैर ज्यादा हो जाएगी, 7 किलो ही मान लेते हैं, तब भी वो लगभग 750-800 रुपये की बैठ जाएगी जाके, 8 किलो 750-700 रुपये पर बैठेगी। तो ठीक है, अब देर न करते हुए सीधा चलते हैं घर, क्योंकि रात हो चुकी है 9:15, रात हो चुकी काफी, अब घर जाके जो है खाना पीना खा के आराम सो जाना है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक सभी भाइयों को राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, ओके बाय।